कि क्या मंदिर मठ में बंद हो जाना चाहिए, क्या राजनीतिक दल जो अपने प्रचार प्रसार और राजनीतिक दल जो कार्यक्रम करते हैं क्या उसमें उन मानकों का पालन किया जाता है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो फैसले का हवाला लोग दे रहे हैं वह फैसला में गीता और कुरान की भी चर्चा है। चर्चा तो भाई नीतीश कुमार जी को तो सर्दी होगा तो इसके भी राजनीतिक अर्थ निकलेंगे, खांसी होगा तो उसका भी, तबीयत भी थोड़ा खराब हो जाएगा तो उसके भी राजनीतिक अर्थ। अरे बिहार की राजनीति में इंट्री राजनीतिक दल ना बना रहे हैं भाई। अब राजनीतिक दल का क्या कार्यक्रम है, उसका पूरा एजेंडा आएगा तब ना जनता दल अपना नजरिया रखेगा। अब कोई यात्रा का कार्यक्रम बना रहे हैं तो उनका विषय है, राजनीतिक दल बनाना उनका विषय है। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ वंदना। बिहार की राजनीति में इन दिनों काफी खींचतान चल रहा है। पहले सियासी इफ्तार से शुरू हुआ और अब लाउड स्पीकर पे जा करके कई नेता जो हैं कटाक्ष कर रहे हैं, एक दूसरे पर हमलावर हैं। हमारे साथ बात करने के लिए हैं जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार। कैसे देख रहे हैं बिहार की राजनीति में इन दिनों सियासी इफ्तार से शुरू हुआ और उसके बाद लाउड स्पीकर पे अब सियासी हो रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, सियासत का विषय बनाना तो अपने अधिकार में, लेकिन मूल विषय है कि दावते इफ्तार हो, शादी विवाह हो या होली मिलन हो, इसमें तो लोग कर ईद मिलन हो, इसमें करते रहते आते जाते रहते हैं। इसके राजनैतिक अर्थ अगर निकाले जा रहे हैं तो वो जाने इसकी मुझे जानकारी नहीं है। अब जहाँ तक लाउड स्पीकर का सवाल है, भाई लाउड स्पीकर गाँव में ब्रह्म मुहूर्त में बजता है कि नहीं? हमारे गाँव में तो कार्तिक महीना में रामायण पाठ होता है, दिन में महिलाएं करती है, एक महीने तक होता है और लाउड स्पीकर का प्रयोग करते हैं। शादी विवाह कर्म कांड सब जगह प्रयोग होता है, राजनैतिक दल अपने कार्यक्रम में भी करते हैं। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो फैसले का हवाला लोग दे रहे हैं वह फैसला में गीता और कुरान की भी चर्चा है, जिसमें यह कहा गया है कि जो सुनना चाहते हैं जो नहीं सुनना चाहते हैं, उसमें एक जो ध्वनि विस्तारक यंत्र होता है उसके एक मानक के अनुपालन का उन्होंने सलाह दिया है। अब इसको निर्देश मान रहे हैं तो इतना लंबे अरसे तक राज्यों के अंदर क्यों नहीं लागू हुआ? आई ठीक रमजान की अवधि में यह सवाल क्यों खड़ा होता है? ये तो पहले भी सवाल खड़ा होना चाहिए था। तो दिमागी प्रदूषण से तो प्रदूषण का मुकाबला नहीं कर सकते। अरे भाई, आपको पर्यावरण की चिंता करनी चाहिए। आज इतनी गर्मी हो रही है, इस महीने में इतनी गर्मी पड़ रही है, यह चिंता का विषय नहीं है। यह चिंता का विषय नहीं है कि 2025 तक हमको हर खेत तक पानी पहुंचाना है। इस कार्य योजना पर आत्मनिर्भर बिहार पार्ट टू, जो 7 निश्चय पार्ट टू है, उसकी चिंता करनी चाहिए। लाउड स्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्र, अभी गाँव के अंदर में जरा प्रतिरोध कितना होगा? अगर गाँव में ब्रह्म मुहूर्त में कहा जाता है कि भगवान की आराधना की जाती है, तो ये भगवान की आराधना होगा तो 4 बजे 5 बजे तो माइक बजता है, लोग पूजा करते हैं, आरती करते हैं, और उस समय कहिए कि यज्ञ में कह दीजिए कि नहीं आप नहीं लगा सकते हैं, तो मानेगा गांव में? इसलिए कानून समानता का अधिकार देता है। आपके सहयोगी दल बीजेपी जो सवाल खड़ा कर रहा है कि लाउड स्पीकर बंद, हम तो यही जानना चाह रहे हैं, यही तो हम जानना चाह रहे हैं कि क्या मंदिर मठ में बंद हो जाना चाहिए, क्या राजनीतिक दल जो अपने प्रचार प्रसार और राजनीतिक दल जो कार्यक्रम करते हैं क्या उसमें उन मानकों का पालन किया जाता है, या पालन किए जाने का भरोसा आम लोगों को दिया जाएगा? रिहायशी इलाके में रैलियां होती हैं, कार्यक्रम होता है, लाउड स्पीकर का प्रयोग नहीं होगा? उसका जो मानक होगा उसका 100% अनुपालन होगा ना? और तीसरा महत्वपूर्ण विषय है कि विभिन्न धर्म के लोग, और यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने चर्च के मामले में दिया था यह निर्णय, इसको लोग मिसइंटरप्रेट कर रहे हैं, गलत तरीके से बातों को रख रहे हैं। इसलिए हम यह कहेंगे कि ऐसे सवाल जो धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े हुए हों, आस्था से जुड़े हुए हों, वैसे सवालों पर ध्यान केंद्रित करने से बेहतर होगा हर खेत तक पानी पर करिए, बेटी का सशक्तिकरण करिए, जो नई पीढ़ी के नौजवान को जो स्किल में हमको इम्प्रूव करना है मेगा स्किल सेंटर के लिए, ये सब काम करिएगा, तब लोगों का भरोसा होगा। ये हो गया लाउड स्पीकर, अजान, मंदिर, इस सब से बहुत चीज़ें तय नहीं होती हैं। बिहार में इन दिनों जो नीतीश कुमार के खिलाफ से, चाहे हम बात करें तब प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की या चिराग पासवान की, हाल के दिनों में काफ़ी नज़दीकियाँ बढ़ी है, क्या लगता है कि बिहार की राजनीति में फिर बदल देखने के लिए? हमको जानकारी नहीं है, ये तो माननीय नीतीश कुमार जी का संस्कार रहा है सबका सम्मान देने का, वो तो अपने कभी मैंने नहीं देखा है कि
भाई उस ढंग की भाषा का इस्तेमाल करना, ये तो संस्कार का बात है, एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। चर्चा का विषय बना हुआ है बिहार में। चर्चा तो भाई नीतीश कुमार जी को तो सर्दी होगा तो इसके भी राजनीतिक अर्थ निकलेंगे, खांसी होगा तो उसका भी, तबीयत भी थोड़ा खराब हो जाएगा तो उसके भी राजनीतिक अर्थ निकलेंगे। तेजस्वी यादव सॉफ्ट नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार के प्रति। नहीं, मैं तो परसों देखा हूँ एक बयान, मुजफ्फरपुर के बयान पर उन्होंने जिस राज की के बारे में कहा है, बिहार के राज के संदर्भ में, बिहार के कानून व्यवस्था पर जो टिप्पणी है वह तो सच्चाई नहीं है। जो शब्दों का उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया वह निश्चित रूप से सही नहीं है। क्या लगता है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव रिपोर्ट कार्ड पेश करने वाले हैं और 1.5 साल के कार्यकाल को उसमें उन्होंने जिक्र करने का भी ये किया है, कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, रिपोर्ट कार्ड के लिए चिंता मत करिए, रिपोर्ट कार्ड के लिए हम भी अपने तरीके से मानसिक रूप से तैयार हैं, उसमें कहीं दिक्कत नहीं है। जवाब तैयार है आप लोगों के पास? जो अरे जवाब तो गांव का खेत खलिहान जवाब देगा, तो गांव की मिट्टी बोल रही है, गांव में जो स्कूल बना है वो बोल रहा है, घर में बिजली जल रहा है वो बोल रहा है, गांव के इलाके में गलियां बनी है वो बोल रहा है, हमारा तो काम बोलता है। प्रशांत किशोर इन दिनों बिहार की राजनीति से गायब थे, हालांकि एक बार फिर से उनकी एंट्री बिहार की राजनीति में हुई है और हाल के दिनों में वो जन सुराग यात्रा निकालने वाले हैं, कितना फर्क पड़ेगा? हर एक व्यक्ति को यात्रा निकालने का अधिकार है, बिहार में तो रथ यात्रा, कौन कौन यात्रा, कितना यात्रा निकला है, तो एक वो भी यात्रा निकलेगा, लेकिन इससे उनका मामला है, वो जाने उसका क्या असर होगा, क्या कार्य योजना है, ये उनका विषय है। लेकिन प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार का संबंध बहुत पुराना रहा है, तो कैसे आप देख रहे हैं, क्या एक्सेप्ट करेंगे? इसमें हमारी पार्टी की भूमिका क्या है? हमारी पार्टी की तो कहीं भूमिका है नहीं। राजनीति में उनकी एंट्री होती है तो क्या जेडीयू? अरे बिहार की राजनीति में एंट्री राजनीतिक दल न बना रहे हैं भाई, अब राजनीतिक दल का क्या कार्यक्रम है, उसका पूरा एजेंडा आएगा तब ना जनता दल अपना नजरिया रखेगा। अब कोई यात्रा का कार्यक्रम बना रहे हैं तो उनका विषय है, राजनीतिक दल बनाना उनका विषय है, समय आने पर साथ देंगे। इसकी जानकारी ना हमको फैसला लेने का अधिकार है, ना इस समय कोई टिप्पणी हम करते हैं। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कह रहे थे जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार। इस कारण बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ, अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, धन्यवाद।